हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कन्फेशन। तो फिर चलिए शुरू करती हूँ। जंकू तियांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से मेरे लैंप पर आकर क्यों बैठ गए हो। तियांग जंकू को बोलते हैं, क्यों मैं नहीं बैठ सकता हूँ क्या, तो हम घर चले। जंकू बोलते हैं, हाँ ठीक है घर चलते हैं, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहते हैं, पहले मुझे उससे बात कर लेने दो। तियांग बोलते हैं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे अभी घर जाना है। जंकुक तियांग को बोलते हैं, तो तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो। जंकुक थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ताकि तियांग डर जाए, और तियांग भी जंकुक को थोड़ा सा गुस्से में देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, नहीं अगर आपका मन नहीं है तो हम बाद में भी जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोन बोलते हैं, क्या हुआ आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे जानना है, आप सिंगल हो क्या। जंकुक जानबूझकर वोन को बोलते हैं, मैं सिंगल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिंगल बन सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। वोन बोलते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया, क्या आप मेरे साथ डेट करना चाहोगे। जंकुक बोलते हैं, हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे अभी इस बच्चे को घर छोड़कर आना होगा। वोन बोलते हैं, एक और है, आपका छोटा ब्रदर है क्या। जंकुक बोलते हैं, हाँ वैसे ही कुछ है। तो फिर तियांग गुस्सा हो जाते हैं, उसकी फेस पर गुस्सा दिख रहा था। जंकुक तियांग को गुस्सा करते हुए देखकर मुस्कुराता है, उसकी क्यूट सी शक्ल पे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जंकुक तियांग को बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, उसके बाद मुझे इसके साथ डेट भी करना है। वोन बोलते हैं, लेकिन आप मेरा नंबर नहीं लिया है और ना ही आपका नंबर मुझे दिया है, तो हम दोनों कैसे मिलेंगे और बातें कैसे होंगी, अगर फ़ोन पर बात नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम हम कैसे मिल सकते हैं। जंकुक बोलते हैं, इसी रेस्टोरेंट पर हम दोनों दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। तो फिर तियांग बोलते हैं, क्या आप मुझे घर छोड़ने के बाद यहाँ पर दोबारा से आने वाले हो। जंकुक बोलते हैं, हाँ क्या करूँ, तुम खुद तो घर नहीं जा सकते हो ना, इसलिए मुझे तुम्हें घर छोड़ना होगा। वोन जंकुक को बोलते हैं, आप उसको ड्राइवर के साथ क्यों नहीं भेज देते हो, क्या आपके पास ड्राइवर नहीं है। जंकुक बोलते हैं, क्यों नहीं होंगे, ऑफकोर्स है, लेकिन मैं उसको ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता हूँ, मुझे खुद उसको घर पहुँचाना होगा। तो फिर वोन बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, क्या वो बहुत डरते हैं या फिर उसकी जान की कोई खतरा है। जंकुक बोलते हैं, नहीं उसकी जान की कोई खतरा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जान की सबसे बड़ा खतरा तो मैं ही हूँ। वोन बोलते, मैं समझा नहीं। जंकुक वोन को बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना इसको सीरियसली मत लिया करो, ठीक है, और ऐसे मजाक तो किया जाता है ना, अब तुम भी बच्चे जैसे बन जाओगे तो कैसे चलेगा। वोन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, चलो अब हम दोबारा से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन अभी मुझे उसको घर लेकर जाना होगा, उसको अब रेस्ट करना है, उसने बोल दिया है तो क्या कर सकते हैं। वोन तियांग को बोलते हैं, प्यारे बच्चे क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुक नहीं सकते हो क्या, मुझे इनके साथ थोड़ी बात करनी है, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ, हम दोनों थोड़ी देर बात करते हैं साथ में, उसके बाद तुम चले जाना। तियांग बोलते, नहीं मुझे अभी घर जाना है। जंकुक बोलते, देखा वो कितना ज़िद्दी है, उसको अभी घर जाना है, और अगर मैंने उसको अभी घर नहीं लेकर गया ना तो मुझे बहुत ही पनिशमेंट मिलेगा। वोन तुम मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं अभी गया और अभी आया। वोन जंकुक को बोलते, लेकिन तुम इसका ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहे हो, ये कौन है। जंकुक बोलते, मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ और मुझे अभी उसको लेकर जाना होगा, वरना मेरा नौकरी छूट जाएगा, क्या तुम ऐसा चाहते हो। वोन बोलते, क्या तुम इसका बॉडीगार्ड हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है। जंकुक बोलते, क्या बात कर रहे हो, मेरा बॉडी देखकर तुम्हें नहीं लगता है कि मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। तो फिर वोन बोलते, हो भी सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में तो रिच लग रहे हैं, बहुत रिच, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, है ना। प्यारे बच्चे प्लीज़ मेरी बात सुन लो, और तुम्हें जो भी गेम्स खेलनी है, जहाँ पे भी घूमना है घूमने के लिए चले जाओ, मुझे इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, मुझे इनके साथ बात करनी है, पता नहीं कब और कहाँ मुझे ये दोबारा से मिलने वाले हैं, मुझे नहीं लगता ये हैंडसम लड़का दोबारा से मुझसे मिलेगा। उसके बाद वोन जंकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये कुछ नहीं कहेगा, चलो हम दोनों बैठकर बातें करते हैं, क्यों मैंने सही कहा ना, तुम बहुत ही प्यारे हो। तियांग गुस्सा होकर बोलते हैं, उनका हैंड छोड़िए और उनको हैंडसम बोलना बंद कीजिए, और पहली बात
मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ, समझे आप? और वो सिंगल नहीं है और आपके लिए अवेलेबल भी नहीं है। आप मेरे साथ घर जाने वाले हो या फिर यहाँ पर ही उनके साथ डेट करने वाले हो? तो फिर त्यांग की इस तरह की बातें सुनकर जंगकुक शॉक हो जाते हैं। त्यांग अब जंगकुक के साथ गुस्सा करके बातें कर रहा था। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, हाँ मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही ने कहा ना कि आप मेरे बॉडी गार्ड हो और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी, तो आपको अभी मेरे साथ जाना होगा, आप किसी के साथ डेट नहीं कर सकते हो, समझे आप? वैन बोलते हैं, क्या तुम इस लड़की के साथ शादी किया है? जंगकुक तुम इतना हैंडसम हो, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़की मिल जाता, तुमने इस बच्चे से क्यों शादी किया है? और देखो वो बच्चा है, उसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तुमने तो कहा ना तुम मेरे लिए अवेलेबल हो और सिंगल हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो जंगकुक, प्लीज जंगकुक ऐसा मत करो मेरे साथ। जंगकुक वैन को बोलते हैं, देखो वैन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो कहेगा वो ही करना होगा, ये बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है, तुम नहीं जानते हो कि ये क्या कर सकते हैं, ये तो छोटा डॉन है। तो जंगकुक की बात सुनकर त्यांग और भी ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाते हैं। वैन बोलते हैं, क्या ये छोटा डॉन है? तुम सच बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे मत मारो। त्यांग बोलते हैं, आप लोग अपनी नाटक बंद कीजिए और जल्दी से मुझे घर जाना है, अगर आपको नहीं आना है तो आप यहाँ पर रुक जाइए। जंगकुक बोलते हैं, आज तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ गई है। हाँ, उसकी यार के पास इस पर कहते हुए बोलते हैं। त्यांग बोलते हैं, आपने खुद ही कहा है कि आप मेरा बॉडीगार्ड हो और आपने बॉडीगार्ड के साथ किस तरह से बात किया जाता है मैंने आपसे अच्छी तरह से सीख लिया है। आप अपनी बॉडीगार्ड से बहुत ही रूढ़ तरीके से बातें करते हो और मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ प्यार से बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। त्यांग, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ और तुम्हें क्या पनिशमेंट मिल सकते हैं? अच्छा ठीक है, जब हम घर जाएंगे मैं खुद तुमसे पूछने वाला हूँ कि तुम्हें क्या पनिशमेंट चाहिए, तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा पनिशमेंट चाहिए। ओके, मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा, थोड़ा सा इजी कर दूंगा। ओके, जंगकुक की बात सुनकर त्यांग अपने सर नीचे कर लेते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। जंगकुक त्यांग की फेस पकड़कर ऊपर करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखा तो ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और तुम नई निवली दुल्हन की तरह बिल्कुल शाय फील कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम एक बॉय हो और बॉय को इतना शाय फील नहीं करना चाहिए, तुम इतना ब्लशिंग क्यों कर रहे हो? ब्लश करना लड़कियों का काम है, तुम्हारा नहीं। चलो अब जाकर घर में तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी वैन की वजह से मेरा नाइट खराब हो जाए। जंगकुक की बातों का त्यांग बोलते हैं, क्या, लेकिन आपने तो अभी उसको कहा है, क्या आप उसे मिलने के लिए आने वाले हो? जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तुम्हें लेकर मेंशन जाने के बाद मैं वापस इस रेस्टोरेंट पर आने वाला हूँ वैन के साथ डेट करने के लिए। तुम कितना पागल हो त्यांग, तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है अगर मुझे लड़की में कोई भी इंटरेस्ट होता ना तो मैं एक लड़की से ही शादी करता, ना कि तुमसे। मैं तो कभी किसी के साथ, कोई प्यार तो दूर की बात, किसी लड़की के साथ डेट भी नहीं किया है। त्यांग बोलते हैं, इसका मतलब आप लड़कों के साथ पहले से ही? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ क्यों बताऊँ, लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, हाँ मैंने किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ मैं जिस तरह से बातें करता हूँ लोगों को ऐसा ही लगता है शायद मैं कितने सारे लड़कों के साथ सो चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन आपने मुझसे शादी क्यों किया है, क्या आपने पहले मुझे देखा था क्या? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, नहीं मुझे शादी करने की कोई इच्छा नहीं था, मैंने सिर्फ एक 16 साल का लड़के के बारे में बोला था जिमिन को। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, लेकिन आपको 16 इयर्स ओल्ड बॉय क्यों चाहिए? जंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, मेरे प्लेजर के लिए, और हाँ तुम मुझे आपसे रोज प्लेजर देने वाले हो। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे शादी अपने प्लेजर के लिए ही किया है, समझे त्यांग?
त्याग झोंकर की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या इसका मतलब वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं? हाँ, जंगकुक ने पहले ही बोल दिया है कि वो जंगकुक त्यांग से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन त्यांग के मन में अभी भी उसके लिए चाहते हैं। और यहाँ पर वोयन जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक त्यांग को लेकर मेडिसिन चले आते हैं और उसको बोलते हैं, चलो अपने कमरे में चलो। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं चला जाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं, नहीं मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखा रहता हूँ, समझे? त्यांग जंगकुक को अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। त्यांग बोलते हैं, आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से मिलना होगा, आप भूल गए हो क्या? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मैं फ़िलहाल किसी के साथ नहीं मिलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था मैं वाइन को सिर्फ अपने आप से अलग करने के लिए वो बात बोल दिया था, लेकिन मैं सच में उसके साथ नहीं मिलना चाहता हूँ, समझे? और तुम्हें ही मुझे प्लेजर करना होगा, और अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। त्यांग बोलते, लेकिन अभी अभी क्या करने वाले हो आप? क्या आप मुझे पनिशमेंट देने वाले हो? आपने कहा था आप मुझे ऑप्शन देंगे और मुझे वहाँ से अपनी पनिशमेंट सिलेक्ट करने होंगे, तो कुछ ऐसा ही होगा क्या? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही है, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, तुम उसको अच्छी तरह से सुन लेना। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग अपना सर हिलाते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ तो फिर सुन लो। ऑप्शन वन, क्या तुम आइस के ऊपर सोना चाहते हो? ऑप्शन टू, क्या तुम फ्रिज के अंदर सोना चाहते हो? ऑप्शन थ्री, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? हाँ, त्यांग तीनों ही ऑप्शन से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जानते हैं वो किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेगा ना, उसके लिए बहुत ही तकलीफदायक होने वाले हैं। त्यांग सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें इन ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा, तुम चाहो तो इसमें से दो ऑप्शन को भी चुन सकते हो, तुम्हें जो पसंद हो। त्यांग, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आइस के ऊपर भी नाइट स्पेंड कर सकता हूँ, तुम क्या पसंद करते हो? त्यांग जंगकुक को घूरने जा रहा था। जंगकुक त्यांग की माउथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? त्यांग त्यांग जंगकुक को कुछ नहीं बोलते हैं। जंगकुक त्यांग की टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी चेस्ट पर पिंच करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जंगकुक दोबारा से बहुत ही जोर से पिंच करते हैं उसकी चेस्ट पर, और त्यांग अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं जिससे जंगकुक को खुशी मिलती है। चलो, तुमने आवाज़ तो किया है कि तुम्हें दर्द हुआ है, तुम इस तरह से नहीं रह सकते हो मेरे साथ। त्यांग, तुम्हें आंसर करना ही होगा, मुझे आप इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारा आंसर की इंतज़ार कर रहा हूँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं अभी वैन के पास जाऊँ और वैन के साथ नाइट स्पेंड करूँ, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो? जंगकुक त्यांग को देखकर बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें जंगकुक मुस्करा के बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हें जेलस फील होता है, तुम अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, मैं सच बोल रहा हूँ ना? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जंगकुक उसको अपनी थाई पर बैठाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि तुम थर्ड वाला ऑप्शन ही चूज़ करने वाले हो, तो तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो त्यांग? और तुम्हें भी ऐसा कुछ अच्छा लगता है, झूठ मत बोलो, तुम भी चाहते हो ना मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए? त्यांग अब क्या करता, वो अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि वो आइस के ऊपर तो नहीं सो सकते और ना ही फ्रिज के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि ठंड की मौसम है और वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो जंगकुक के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। जंगकुक इस पर हाँ बोलते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और तुरंत त्यांग की टी शर्ट को ऊपर की तरफ खींचते हुए खोल देते हैं। त्यांग की बॉडी शुरू होते हैं और जंगकुक इसकी बॉडी के साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लगते हैं। जंगकुक अपनी उंगली से त्यांग की चेस्ट पर उसको घुमाने लगते हैं और उसकी चेस्ट पर थोड़ा सा उंगली से दबा देते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम बहुत ही शाय फील कर रहे हो? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है त्यांग, तुम्हारे बांटा जैसी बॉडी पर मेरी उंगली कैसे फिसलते जा रहे हैं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ खो जाऊँ और तुम्हारी इस बटर जैसी बॉडी के साथ
खुद को थोड़ा सा और ज़्यादा अटैच कर लूँ ताकि हम दोनों के बीच में कोई और ना आ सके, एक मक्के भी नहीं आ सकते हैं। त्यांग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमें ऐसा जल्दी से कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे इस बटर जैसी बॉडी पर एक मक्खी भी बैठे, क्योंकि मैं उसको भी नहीं सह सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ त्यांग, तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है, इसके लिए मुझे जिमिन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसने ही तुम्हें ढूंढ निकाला है। मैं तो शादी के लिए तैयार नहीं था, मुझे सिर्फ अपने प्लेजर के लिए एक 16 इयर्स ओल्ड के बॉय चाहिए था, लेकिन उसने तुम्हें ढूंढ निकाला है और उसने कहा मुझे तुमसे शादी करना होगा। मैं तो मना करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं देखते ही रह गया। अब मुझे लगा नहीं, मैं अगर इससे शादी भी करूँगा तो कोई गिल्टी फील नहीं होगा, और मैं तुम्हें शादी करने के बाद बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे पास परमानेंटली हो और चाहकर भी कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता है। अब मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा मन करता है। ये बोलते हुए जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं और उसकी बॉटम लिप पे बाइट करना शुरू करते हैं। लगातार बाइट किए जा रहा था, त्यांग की आंखों से आंसू निकल रहे थे जंगकुक की बात सुनकर कि वो सिर्फ उसके साथ सोना चाहते हैं और कुछ नहीं, उससे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन त्यांग तो जंगकुक से प्यार करने लगे हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, अभी तो मैंने तुम्हें खुद को इन भी नहीं किया है और अभी से तुम रोना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी होठों पर बाइट कर रहा था। हाँ, ये तो मैं तुम्हें हॉट फील कराने के लिए कर रहे थे। त्यांग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का बुरा लगता है या फिर तुम्हें पेन होते हैं तो तुम बोलते क्यों नहीं हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम्हें जो भी बुरा लगे, जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तुम बोला करो, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं। तुम ओएन के साथ जब मुझे देखा तुम्हें बुरा लग रहा था, तुम जेलस फील कर रहे थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर करो, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, समझे तुम, क्योंकि मैं माफिया हूँ और मेरे साथ कोई भी बात करने से पहले हज़ार बार सोचते हैं, इसलिए मेरे साथ कोई भी किसी बात को शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम आज जिस तरह से ओएन के सामने मेरी लैंप पर बैठ गए और मुझे कहा तुम्हें घर आना है ताकि मैं ओएन के सामने से तुम्हारे साथ घर चलाऊँ और मैं ओएन के साथ डेट ना कर सकूँ, लेकिन तुमने इनडायरेक्टली कहा, लेकिन जैसे भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही तुम अपने फीलिंग्स को शेयर करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं माफिया के अलावा एक इंसान भी हूँ। त्यांग सिर्फ जंगकुक की बातों को सुन रहा था, वो अपने अच्छे के लिए सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन त्यांग के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो क्या फील करता है। सो गाइस, यहाँ पर ही ख़त्म करते हो, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।